दुनिया को तबाह कर रहा है ISIS, क्या है इसका इलाज? فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني. ISIS यानी आतंक का दूसरा नाम. ISIS यानी अरब देशों के रेगिस्तान और शहरों में खौफ की सबसे बड़ी पहचान. ISIS यानी लाखों मासूमों के लिए कफन तैयार करने वाली दैत्यों की कंपनी. ISIS यानी वो आतंकवादी संगठन जो अपनी नफरत से दुनिया को बर्बाद और तबाह कर देने की हसरत रखता है. ISIS मौजूदा समय में ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा और अफ्रीका के आतंकवादी संगठन बोको हराम से भी ज्यादा पुकार है. ये संगठन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. भारत से करीब 4200 किलोमीटर दूर मेडिटेरियन सी के किनारे इराक और सीरिया जैसे देशों में ISIS का असल अड्डा है. ISIS बीते एक दशक से इराक की जमीन पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है. ISIS का मकसद करीब 1400 साल पहले सऊदी अरब में जो खलीफा राज कायम किया गया था उसे दोबारा स्थापित करना है. पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, वो नाम है ISIS का. आखिर ये IS या ISI या फिर ISIS है क्या? ये कहां से आया, क्यों आया, किसकी वजह से आया, इसे कौन लेकर आया? ISIS के जन्म से लेकर इसे जन्म देने वाले और फिर उसे पालने पोसने वाले तमाम लोगों की एक खौफनाक दास्ता है. आज हम आपको इसी ISIS के खौफ की पूरी दास्ता सुनाने और बताने वाले हैं. ISIS के आतंकी आग की चिंगारी उस वक्त सुलगी थी जब आतंकी संगठन अलकायदा ने साल 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया था. साल 2001 में जब अलकायदा ने अमेरिका पर आतंकी हमला किया था उस वक्त ISIS भी अलकायदा का ही एक हिस्सा हुआ करता था. ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक तब इराक में सक्रिय था और इसका चीफ अबू मुसाब अल जरकावी हुआ करता था सीरिया और इराक में IS के उभार की जड़े 2003 के इराक युद्ध और अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से जुड़ी हुई है. ISIS की कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चुंगल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था. अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे. उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी, अलकायदा इराक का चीफ. बगदादी 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था. अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी. सद्दाम मारा जा चुका था. संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था. हालांकि इराक पर कब्जे के लिए उसने अलकायदा इराक का नाम बदल कर नया नाम ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक कर दिया था. बगदादी उस वक्त सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला चुका था. इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस, सेना के दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाना शुरू कर दिया. अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल रही थी. इराक से मायूस होकर बगदादी ने सीरिया का रुख करने का फैसला किया. सीरिया तब गृह युद्ध झेल रहा था.
अलकायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के दो सबसे बड़े गुट थे जो सीरियाई राष्ट्रपति से मोर्चा ले रहे थे। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।